हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ में यूनिट नंबर 7 EVS के अंदर एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर। हमने अगले यूनिट में जो पानी के बारे में बात की थी, बट वहाँ पर पानी की जो भीड़ होता है उसके बारे में हमने बात की थी। फिर कहाँ कहाँ पर पानी सबसे ज़्यादा है और कहाँ पर पानी की बहुत ही प्रॉब्लम होती है और क्या कौन सी प्रॉब्लम होती है उसके बारे में हमने बात की थी। और आज हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर। एक्सपेरिमेंट करना पानी के साथ, कुछ ना कुछ बनाना, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करना, जैसे कि कोई चीज़ पानी के ऊपर तैरती है और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो पानी के अंदर डूब जाती है। तो जैसे कि कुछ छोटी सी नीडल ले लो आप, नीडल यानी सुई लो, तो पानी के ऊपर क्या करती है, वो सिंक मतलब डूब जाती है। और बोट, हमारी जो बोट होती है, नाव होती है, वो पानी के अंदर तैरती है, तो उसको बोलते हैं फ्लोट। फ्लोट मतलब तैरना। अब हम सोचते हैं कि ये नीडल और ये बोट दोनों में से वेट किसका ज़्यादा है, तो वेट इसका ज़्यादा है, इसका वेट ज़्यादा है, फिर भी ये पानी के अंदर तैरती है और ये पानी के अंदर डूब जाती है। तो वो कैसे होता है, क्यों होता है, आज हम ये यूनिट में देखेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया हुआ है वॉट फ्लोट्स एंड वॉट सिंक्स, मतलब क्या डूबता है, क्या तैरता है और क्या डूबता है, वो हमें दिखाना है। तो यहाँ पर है कि आयशा वॉज वेटिंग फॉर डिनर, आयशा डिनर के लिए वेटिंग कर रही थी, राह देख रही थी। टुडे अम्मी वॉज मेकिंग हर फेवरेट फूड पूरी एंड स्पाइसी पोटेटोस। तो बोला है कि टुडे अम्मी वॉज, उसकी मम्मी ने उसके लिए उसकी फेवरेट सब्जी बनाई थी पूरी, और जो स्पाइसी पोटेटोज होते हैं वो उसके लिए बनाई थी। आयशा वॉज एज अर मदर रोल आउट द पूरी एंड पुट इट इन द हॉट ऑयल। आयशा देख रही थी उसकी मम्मी है जो पूरी है वो बना रही है, उसको रोल कर रही है सर्कल में, और फिर बाद में उसको उठा के जो गर्म तेल है, गर्म ऑयल है, उसके अंदर डाल रही है। शी सो दैट एट फर्स्ट द पूरी सेंक टू द बॉटम ऑफ द पैन। उसने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पूरी है वो तेल के अंदर नीचे तक चली जाती है, मतलब पूरा डूब जाती है। एज इट पफ अप, जैसे ही वो फूलती है, पफ अप मतलब फूलना, तो जैसे ही वो फूलती है द पूरी केम अप एंड स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द ऑयल। और जैसे वो फूल जाती है तब बाहर आ जाती है और वो पान जो तेल की बाहर की ऊपर की जो सपाटी है उसके ऊपर रहती है, मतलब तैरने लगती है। वन पूरी डिड नॉट पफ अप एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक द अदर्स। उसने देखा कि एक पूरी ऐसी है कि जो एक फूल भी नहीं रही और पानी जो ऑयल है उसके ऊपर तैर भी नहीं रही है। ऑन सीइंग दिस आयशा टुक सम डो एंड रोल इट इनटू अ बॉल। फिर ये देखा और आयशा ने क्या किया, एक जो डो मतलब जो आटा होता है वो लिया, जो आटा उसकी मम्मी ने बनाया था वो लिया और उसका एक रोल बनाया, बॉल के जैसा एक रोल बनाया। और फिर शी फ्लैटेन इट एंड पुट इट इन अ बाउल वाटर। उसने क्या किया, शी फ्लैटेड इट एंड पुट इट इन अ बाउल ऑफ वाटर, पानी के जो वाटर है पानी का जो उसके ऊपर अंदर रख दिया। अलास इट सैंक टू द बॉटम एंड स्टे देयर। तो फिर क्या हुआ, वो पानी के अंदर डूब गया और वहाँ पर ही रहा। अब नेक्स्ट हमें बोला है थिंक वॉट वुड हैपन इफ, हमें सोचना है कि क्या होता है। तो हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिया है जिसके बारे में हमें सोचना और फिर क्वेश्चन के आंसर हमें देने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल है आयशा पुट अ पफ पूरी इन अ बाउल ऑफ वाटर। आयशा पुट अ पफ पूरी इन अ बाउल ऑफ वाटर। आयशा ने क्या किया, जो पानी का जो प्याला था एक उसके ऊपर एक पूरी जो फूली हुई पूरी थी वो रखी। वुड इट सिंक और फ्लोट, क्या वो डूबेगी या फिर तैरेगी। तो क्या होगा, जो पानी का जो एक बाउल होता है उसमें पानी भरो और उसके ऊपर जो फूली हुई पूरी है वो रखो तो वो डूबती नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि जैसे जो डो होता है वो बना के अगर डालते हैं तो वो नीचे चला जाता है बॉटम के ऊपर, और फिर डायरेक्ट जो गर्म होता है तेल और जो फूल जाती है पूरी तो वो ऊपर आ जाती है। तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट का आंसर आएगा
के फ्लोट, फर्स्ट का आंसर आएगा फ्लोट, मतलब वो तैरेगी। उसके बाद सेकंड में दिया हुआ है, यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर, आपको क्या करना है, जो स्टील की प्लेट आती है वो पानी के ऊपर रखनी है, वुड इट सिंक और फ्लोट, क्या वो डूबेगी या फिर तैर जाएगी, वॉट वुड हैपन टू अ स्पून, अगर उसकी जगह हम स्पून ले चम्मच ले तो क्या होगा, तो स्टील की प्लेट तैरेगी और जो स्पून है वो डूब जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टील प्लेट विल फ्लोट, सेकंड आंसर लिखेंगे जो स्टील की प्लेट है, स्टील प्लेट विल फ्लोट एंड जो स्पून है स्पून विल सिंक, स्टील की प्लेट है वो तैर जाएगी और जो सिंक है मतलब जो स्पून है वो क्या होगा डूब जाएगी अंदर। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको बोला है क्वेश्चन, वुड द कैप ऑफ अ प्लास्टिक बॉटल सिंक और फ्लोट ऑन द वॉटर, जो प्लास्टिक बॉटल होती है उसकी जो कैप होती है उसको आपको पानी के ऊपर फेंकना है, क्या वो डूबेगी या फिर तैर जाएगी, तो वो तैर जाएगी, तो वो कैप ऑफ प्लास्टिक बॉटल विल फ्लोट। थर्ड में लिखेंगे कैप ऑफ प्लास्टिक बॉटल वॉट विल क्या होगा फ्लोट, मतलब तैरती है तो वो तैर जाएगी। तो ये थर्ड जो मैंने तीन आंसर लिखवाए वो आप लिख दो अपनी नोटबुक के अंदर। अब नेक्स्ट हमें बोला है एक दूसरा एक्सपेरिमेंट आयशा के द्वारा किया गया हुआ है, यहां पर है कि इन द इवनिंग आयशा वेंट फॉर अ बाथ, शाम को आयशा नहाने गई, शी हैड जस्ट कम आउट व्हेन हर मदर कॉल्ड आयशा यू हैव ड्रॉप द सोप इन द वॉटर अगेन, सोप मतलब साबुन। तो आयशा ने मम्मी आयशा की मम्मी ने बुलाया उसे और फिर आयशा की मम्मी ने उसे बुलाया और फिर कहा कि तुमने फिर से साबुन पानी के अंदर गिरा दिया है, मतलब पानी के अंदर तुमने गिरा दिया है, टेक इट आउट एंड पुट इट इन द सोप केस, तो उसको निकालो जाके और फिर सोप केस के अंदर रख दो। तो आयशा वॉज इन अ हरी एंड द सोप केस फेल आउट ऑफ हर हैंड्स, तो आयशा भाग के गई और फिर उसके हाथ में जब उसने सोप केस जो साबुन रखने का केस होता है वो सोप केस लिया तो फिर वो भी उसके हाथ से फिसल गया, इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर, और वो प्लास्टिक का था तो वो पानी पे तैरने लगा, आयशा जेंटली पुट द सोप इन द सोप केस, तो तुरंत ही आयशा ने क्या किया जो सोप केस था उसके अंदर साबुन डाल दिया, शी सो दैट द केस कंटिन्यू टू फ्लोट, तो भी उसने देखा कि साबुन डालते हुए भी वो तैर रहा है, इवन विद द सोप इट इन इट, साबुन के साथ भी वो तैर रहा है, हैव यू सीन दैट समथिंग फ्लोट ऑन वाटर वाइल अदर सिंक, क्या आपने भी कभी सोचा होगा कि कुछ चीजें ऐसी है जो पानी के साथ तैरती है, मतलब पानी के ऊपर तैरती है और कुछ चीजें पानी में डूब जाती है, थिंक हाउ दिस हैपेंड, और ये कैसे होता है वो हमें फाइंड करना है, द पोयम हियर रेजेस सच ऑप्शन, तो ये पोयम हमें जो नीचे दी हुई है वो हमारे क्वेश्चन के आंसर दे सकती है। अब पोयम क्या कहती है तो हम यहाँ पर पोयम रीड करेंगे और एक्सप्लेन मैं करूँगा आपको। तो यहाँ पर पोयम है कि वाई ओ वाई, अ वुडन बोट इन वॉटर विल फ्लोट, जो वुडन बोट मतलब लकड़ी की जो बोट होती है नाव होती है वो पानी के ऊपर तैरती है, बट अ नीडल्स विल सिंक, नीडल मतलब छोटी सी सुई पानी के अंदर डूब जाती है, Why does this happen? ऐसा क्यों होता है, Let me think, मुझे सोचने दो। आगे बोला है कि an iron ship will also float, जो iron ship होती है नाव तो छोटी होती है, जो इसका ship होता है वो
आयरन से बना हुआ लुक्कन का होता है और भी वो बहुत ही बड़ा होता है तो भी वो पानी के ऊपर तैरता है। दो, इट्स मच हैवियर देन माई बोट, और वो भी मेरी बोट से तो ज़्यादा हैवियर, ज़्यादा वजन वाला है, फिर भी वो तैरता है। बट अ नीडल लाइट एज अ लीफ, तो नीडल और लाइट एज अ लीफ, जो पत्ते होते हैं लीव्स, उसके भी उससे भी हल्का, थीन एज अ पिन, पिन से भी पतला, विल सिंक राइट इन, वो डूब जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, तो ऐसा किस लिए होता है और क्यों होता है, तो उसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो हम पहले फाइंड करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कुछ सिखाऊंगा, तो यहाँ पर है कि सपोज कि ये पानी है, ये पूरा वाटर का एरिया, ये है वाटर, ये वाटर का ऊपर, अगर कुछ चीज़ ऐसे गिरती है, ऑब्जेक्ट कोई चीज़ अगर गिरती है, तो सपोज के बॉल गिरता है कुछ, तो पानी का जो शेप है वो इस तरह हो जाएगा, और यहाँ पर जो फोर्स लगता है, इस तरफ एक फोर्स लगता है, उसको हम क्या बोलेंगे, बायंस, क्या बोलेंगे, बायंस का जो फोर्स होता है, तो बायंस का जो हमारे हमें फोर्स, बायंस ही फोर्स है, ये बायंस ही फोर्स लगता है ऊपर, जैसे कि कोई चीज हवा में हम फेंकते हैं, हवा में हम उछालते हैं, तो कुछ ना टाइम बहुत मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में जाएगी और फिर बाद में वो नीचे अपने आप आ जाएंगे। तो जो ले जमीन के ऊपर, हमारी जो जमीन है वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसे वो खींचता है, तो ऐसे ही यहाँ पर बायंस फोर्स होता है, बायंस ही फोर्स होता है, वो क्या करता है, चीज़ों को ऊपर धकेल, ऊपर की तरफ डालता है। अब जैसे ही सपोज ये ऑब्जेक्ट है, उसका वेट ज़्यादा होगा और बायोलॉजी फोर्स कम लगेगा, तो पानी के अंदर चीज क्या होगी, डूब जाएगी। और उसके बाद में जैसे कि ऑब्जेक्ट का वेट कम होगा, लो होगा, और बायोलॉजी फोर्स ज्यादा होगा, तो क्या होगा, जो चीज है वो फ्लोट मतलब तैरने लगेगी। तो ऐसे ही वर्क करता है, तो कौन से, बायोलॉजी फोर्स पे वर्क करता है। अब बायोलॉजी फोर्स की जो डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि बायोलॉजी इज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड टू अपोज द वेट ऑफ एन इमर्ज ऑब्जेक्ट। तो यहां पर मैं आपको उसकी डेफिनेशन है वो लिखवाऊंगा। तो यहाँ पर एक बायोलॉजिकल फोर्स, एक अपवर्ड फोर्स है एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड टू ओपोज द वेट ऑफ एन इमर्ज ऑब्जेक्ट। तो यहां पर बायोलॉजी फोर्स का एक मैंने एक डेफिनेशन है, तो यहां पर लिखी हुई है ये कि बायोलॉजी इज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड टू अपोज द वेट ऑफ एन इमर्ज ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का अगर वेट है, ऑब्जेक्ट जो पानी के ऊपर से ऐसे गिरता है, मतलब पानी के ऊपर से ऐसे गिरता है, तो उसके साइड में रहने वाला जो फोर्स है उसको हम बोलेंगे बायोलॉजी फोर्स। तो फर्स्ट
फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बैलेंसिंग फोर्स की मैंने जो आपको लिखवाई है वो डेफिनेशन आप लिख दो। अब उसके बाद जो चीजें डूबती कैसे और कैसे वो, जैसे कि कुछ स्टीमर है बड़ा, आपने देखा होगा कि स्टीमर पानी के अंदर ऐसे, जैसे ये पानी है पूरा, उसके अंदर बोट है, तो ऐसे इस तरह आधी बोट डूबी हुई होती है और फिर भी वो तैरती है, ऐसे आपकी आधी बोट डूबी हुई होती तो भी तैरती है। तो ये जो पानी उसके लिए ये जो जगह बनाता है उसको बोलेंगे डिस्प्लेस वाटर, वाटर। तो ये जो डिस्प्लेस वाटर है उसके अंदर, जैसे कि ये वेट, इसका वेट ये है, इसका वेट और डिस्प्लेस वाटर का वेट सेम होता है, मतलब कि डिस्प्लेस वाटर का जो वेट होता है और जो ऑब्जेक्ट पे उसका वेट, अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है, डिस्प्लेस जो वाटर है उसका वेट कम है, तो फिर क्या होगा, जो पानी है ऑब्जेक्ट वो डूब जाएगा। और अगर डिस्प्लेस वाटर है उसका वेट ज्यादा है और जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट कम होगा, ऑब्जेक्ट का वेट कम होगा, तो क्या होगी, चीजें पानी के ऊपर तैरने लगेंगी। तो जैसे कि अगर हम ले ले जो सॉप केस हमने बात की उसकी, वो पानी के ऊपर तैर रहा था, तो उसका वेट वो अपनी जगह बनाएगा, जैसे कि पानी के अंदर एक बॉल गिरता है, मैंने बोला कि एक बॉल गिरता है, तो वो उसका अपना ऐसे शेप बनाएगा, और ये जगह होती है उसको बोलेंगे डिस्प्लेस वाटर। अगर डिस्प्लेस वाटर और जो बॉल है, तो बॉल का वेट ज़्यादा है, डिस्प्लेस वाटर है उसका वेट कम है, तो क्या होगा, जो बॉल है वो पानी के अंदर गिर जाएगा। और अगर डिस्प्लेस वाटर है उसका वेट अगर ज़्यादा है और बॉल का वेट कम है, तो क्या होगा, चीज़ें मतलब ऊपर तैरने लगी। तो ऐसे सोप केस के अंदर ऐसा होता है, डिस्प्लेस वाटर का वेट ज़्यादा होता है और सोप केस का वेट कम होता है, तो पानी के ऊपर वो तैरता है। जैसे कि पिन, छोटी सी नीडल ले लो, तो उसका जो डिस्प्लेस वाटर है उसका वेट कम होता है और ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा होता है, इसीलिए वो पानी के अंदर डूब जाती है। तो यहाँ पर हमने ये देखा। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें डूब जाती है और कौन सी चीज़ें नहीं डूबती। तो यहाँ पर है देखो, अब कौन सी चीज़, यहाँ पर है कि व्हेन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और वेट ऑफ द डिस्प्लेस वाटर, तो क्या होगा, ये जो दोनों पंख इस तरफ है, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, वो तो आपको समझ में है। तो ये है कि व्हेन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट का वेट है, और ये व्हेन वेट ऑफ द डिस्प्लेस वाटर, ये डिस्प्लेस वाटर का वेट है। तो अगर जब ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा होगा और डिस्प्लेस वाटर का वेट कम होगा, तो क्या होगा, मैंने बोला था आपको, क्या होगा, जो चीज़ है वो ऑब्जेक्ट है वो डूब जाएगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल डिप। तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट विल सिंक, मतलब ऑब्जेक्ट है वो डूब जाएगा। उसके बाद ऐसे सेम, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लिख दो, उसके बाद ये है, सिर्फ इतना मैं चेंज करता हूं, ये व्हेन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लो, मतलब इसका वेट कम है, और वेट ऑफ द डिस्प्लेस वाटर, जो डिस्प्लेस वाटर है उसका वेट ज्यादा है,
वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो कम है और डिस्प्लेस वाटर का वेट ज्यादा है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल बी फ्लोट, मतलब वो तैरने लगेगा। तो आपको फर्क समझ में आ गया कि जो ऑब्जेक्ट का वेट, अगर ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अगर लो है और जो डिस्प्लेस वाटर, जो पानी जगह बनाता है, वो वाटर का वेट ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो तैरने लगेगा। और अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है और जो डिस्प्लेस वाटर है उसका वेट कम है, तो क्या होगा, वो डूब जाएगा, ऑब्जेक्ट मतलब सामान डूब जाएगा। और उसके अंदर जो नीचे से निकलने वाला जो फोर्स होता है उसे बायोंसी फोर्स कहा जाता है। तो मैंने आपको ये नॉलेज के लिए बताया। अब यहाँ पर हम देखो कैसे सिंक होगा और कैसे प्लॉट होगा, तो ऐसे हम ये भी समझ सकते हैं, जैसे कि कोई चीज़ ऐसे वेट इसका है, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है और ये ऑब्जेक्ट अगर ये आ रहा है और फोर्स ज़्यादा है, ये जो बायोंसी फोर्स है, बायोंसी फोर्स है, बायोंसी फोर्स है वो, तो ऑब्जेक्ट का वेट लो है, अगर लो है और बायोंसी फोर्स ज़्यादा है, बायोंसी फोर्स का इसका वेट मोर लो है और मोर ज़्यादा है, मतलब तो ये क्या होगा, चीज़ें तैरने लगेंगी, मतलब फ्लोट होने लगेगा, चीज़ें तैरने लगेंगी। और अगर ऑब्जेक्ट का वेट, तो ऑब्जेक्ट का वेट है ये है ज़्यादा है और जो बायोंसी फोर्स है, बायोंसी फोर्स का वेट है वो लो है, तो क्या होगा, पानी के अंदर वो चीज डूबने लगेगी, मतलब सी। तो आपको पता चल गया कि कैसे चीज़ें पानी के अंदर डूब जाती है और कैसे पानी के ऊपर तैरती है, वो कौन से रीजन से तैरती है, कैसा फोर्स लगता है और वो फोर्स का नाम क्या है, वो मैंने आपको समझा दिया। तो ये जो मैंने आपको लिखा है वो आप अपनी बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर लिख देना। और अब हम जो उसके बाद की एक्टिविटी है, डू दिस एंड फाइंड आउट, वो आपको सीखना है घर पे, कि इसमें क्या कहा गया है, कि ये जो वन बाय वन हमें बॉक्स के अंदर, जो टेबल के अंदर चीज़ें दी हुई है, उसको वन बाय वन हमें लिखना है और फिर वहाँ पर डालना है, सॉरी वन बाय वन हमें क्या करना है, उसकी एक्टिविटी करनी है। जैसे कि हमें बोला है कि प्लास्टिक की कैप, बॉटल की कैप, उसको लेना है और पानी के ऊपर रखना है, वो तैरती है या नहीं वो हमें चेक करना है। तो ऐसे वन बाय वन आप चेक कर लेना और उसके बाद हम जब नए मतलब वीडियो बनाएंगे यहाँ पर, उसके बाद की वीडियो में हम देखेंगे, तो ये एक्टिविटी की हम फाइंड करेंगे, उसको मैं जो वीडियो होता है उसके साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कोई चीज़ कैसे डूब जाती है और कैसे तैरती है, और क्या चीज़ तैरती है और क्या चीज़ डूब जाती है, वो मैं आपको वीडियो के साथ दिखाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।